एक नंबर गणित में आज हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें हम दो तरह के सवाल देखेंगे। इसमें पहले प्रकार के सवालों में संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक ज्ञात करेंगे तथा दूसरे में घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा या इसको अंग्रेजी में वंस, टेंस, हंड्रेड इस नाम से जानते हैं। मान लीजिए हमको कोई संख्या दी जाती है और उसमें बोला जाता है, मान लीजिए 136 लिखा हुआ है और कहा जाता है का इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक, तो ये बहुत छोटी क्लास में सवाल आया करते थे, तो हमको ये सिखाया जाता था ये इकाई का अंक है, ये दहाई का और ये सैकड़ा का। तो हमारा आंसर आ जाता था यहाँ से 6। तो ये छोटी क्लास तक तो था। अब बड़ी क्लासों में इस तरह के सवाल ना आकर किसी दूसरे रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए वो इसमें मल्टीप्लाई करने को कहते थे इन्हीं संख्याओं का, 1 का 3 से, 3 का 6 से गुणा करते का इकाई अंक क्या होगा। तो भी सरल है, आपको सीधा गुणा करना है, 1 का 3 से, 3 3 6 18, इसका इकाई अंक ये वाली संख्या हो गई। तो इसका आंसर क्या क्या 8। तो मेरे समझाने का मतलब ये है, हमें यूनिट प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसके अंतर्गत हम कुछ सवाल देख रहे हैं गुणन वाले, और हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, हमें इकाई अंक से मतलब होता है। तो इसमें अगले तरह के जो सवाल हैं वो ऐसे हैं, जैसे यहाँ लिखा है 756 इंटू 938 इंटू 872। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबके इकाई अंक ले लेंगे। तो इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक है 8, इसका इकाई अंक है 2। जैसे ऊपर गुणा किया हुआ है वैसे गुणा कर देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 6 8 48, 48 2 96। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये बहुत ईजी सम है, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर घातांक वाले सवाल देखेंगे। इसी श्रेणी में हमने कुछ सवाल ले रखे हैं, इसमें हम देखेंगे सभी के इकाई अंक निकालते कैसे हैं। तो आपको पहला सवाल इसमें समझ में आना चाहिए था। इसी प्रकार इसमें इसका इकाई अंक है 8, इसमें इकाई अंक है इसका 5, इसका 4 और इसका 2। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 4 से तो 40 आएगा, 40 यानी 0 आ गया। अब 0 का अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर किसी सवाल में यहाँ आप नोट लिख लेंगे किसी जगह पर, यहाँ नोट लिख देते हैं, यदि यदि इकाई अंक में शून्य यानी 0 आ जाए, 0 आए तो गुणनफल भी गुणनफल का इकाई अंक भी 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, ये बात आपको याद रखनी होगी, यहाँ आपने अभी देख लिया इसको। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका 1, अगले का फिर 9 है और फिर अगले का 6 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 का 1 और 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अगला इसमें इकाई अंक 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका लेकिन 2 है, 6 है और 4 है। मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जै 3, 3 2 जै 6, 6 2 जै 12, 12 6 जै 72, 72 में लास्ट का 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जै 8। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 8। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे इकाई अंक 8 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 2, फिर 4 है, अगेन 8 है। इसमें आप सॉल्व करेंगे, 8 4 5 जो 40, 0 आ गया। तो 0 का आगे किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सिमिलर आप लास्ट वाले में भी देखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ गया। तो इसमें आप ना भी लिखो तो भी समझ में आता है किसी को, और फिर भी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0।
तो आपको केवल इकाई अंक देखना है और इकाई अंक का आपस में गुणा करते हुए जाना है। यदि इकाई अंक का गुणा करते समय किसी जगह शून्य आ जाए तो उसके अंत में फिर शून्य ही रहता है। ये पहले प्रकार के सवाल थे। दूसरे प्रकार के सवाल देखते, घातांकीय सवाल सॉल्व करने के लिए हम इसमें आधार की जो संख्या होती है उसको ध्यान से देखते हैं। इसमें हमें दो प्रकार की संख्याएं दिखाई देंगी। एक तो वो संख्याएं होंगी जिनके इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 होगा, तो इसके लिए एक नियम का पालन करना होगा। और दूसरे में ऐसे अंक होंगे इकाई के में जिसमें 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो इसके लिए हमें दूसरा नियम का पालन करना होगा। तो हम पहले नियम को देखते हैं कि यदि आधार की संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो कोई भी घात रहने पर, उसकी कोई भी घात बनी रहे, तो उसकी कोई भी घात रहने पर इकाई अंक का मान यही रहेगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। इसको समझाने के लिए नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें एक संख्या सपोज कर ली 1350, इसमें 0 आ गया इकाई अंक के रूप में, अगली संख्या 1351, अगली 1355 है जी 1356, केवल समझाने के उद्देश्य से, और इसकी पावर 113, 110, 241, 78, कुछ भी यहाँ लिखा भी है, घात कोई भी रहे तो इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 1 रहेगा, इसका 5 रहेगा और इसका 6 रहेगा। ये कहना चाहता है पहला नियम, तो इसको आप आसानी से समझ लें। अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। यदि आधार की संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, तो इसके लिए हमें एक नियम याद रखना होगा कि जो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसकी जो घात होगी उस घात में से एक कम करेंगे। मान लीजिए घात 12 है तो 11 करेंगे, 80 है तो 79 करेंगे, 100 है तो 99 करेंगे, तो एक कम करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 से भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा। उस शेषफल में आप एक जोड़ देंगे, जो जोड़ने पर आपको जो योगफल प्राप्त होगा वही इकाई के अंक की घात बना लेंगे और फिर उसे हल करेंगे तो जो प्राप्त आंसर होगा उसका इकाई मान ही आंसर होगा। इसको समझते हैं। हमने कोई संख्या ले ली 952 और उसकी पावर है 67, तो सबसे पहले 67 में से एक कम करो, नियम कह रहा है घात में से एक कम करो, तो आ गया 66, और 66 को 4 से भाग दो, 66 को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ जाना चाहिए, शेषफल 2 आ गया, और 2 में एक जोड़ दो तो एक जोड़ दिया तो नई घात क्या मिल गई, 3। अब नई घात जैसी 3 मिले तो आधार का जो इकाई अंक है उसकी घात बना दो उसे और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। इसी प्रकार हम एक संख्या और लेते हैं, 1549 की घात 89 है, आप इसका इकाई अंक निकालेंगे तो सबसे पहले 89 की घात है तो 89 में से एक घटा दो तो 88 आ गया, 88 में 4 का भाग दो तो शेषफल 0 आएगा, तो इसकी नई घात क्या बनेगी, 0 और 1 जोड़ दो 1, तो यानी इसके इकाई अंक में हम इसकी घात रख देंगे तो 9 ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम इसके सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। अगले प्रकार सवाल में हम देखेंगे यहाँ 3 की घात 57 दी है, तो सबसे पहले हम 57 में से एक कम करेंगे तो मिलेगा हमको 56, 56 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो इसकी नई पावर क्या बन जाएगी, 3 की घात 1। ऐसे ही आप इसके साथ करने वाले, 4 की घात 65 है तो 65 में से 1 गया तो 64, 64 में 4 का भाग दिया रिमाइंडर मिलेगा 0, 0 में 1 जोड़ा तो इसका ही मिल जाएगा 4 की घात 1। आप अगली बार इसको देखेंगे 125 की घात 15 है तो 5 की घात कुछ भी हो 5 ही रहती है, बताया था नियम में। फिर आप 89 की पावर 13 देख रहे हैं तो यहाँ 13 में से एक कम करिए 12 आएंगे, 12 में 4 का भाग रिमाइंडर 0 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1, 0 में 1 जोड़ने पर। तो हमें जो संख्या मिलेंगी वो मिलेंगी 3, 4, 5 और 9। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60 का 9 से गुणा कर लें तो 6 नाम 54 यानी 540 आया। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका इकाई अंक 0 होगा, तो ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले सवाल में देखेंगे। तो यहाँ पावर 43 में से पहले एक कम कर लीजिएगा तो 42 आएगा, 42 में 4 का डिवाइड दीजिए और देने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 लिखा है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आती है, भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहता प्रैक्टिस में।
यहाँ पे देखिए 85 है, 85 की पावर 8 माइनस 1 कर दो तो 84 हो गई, 4 से डिवाइड दो रिमाइंडर 0, तो ये आ गया 7 इसकी पावर 1। 1 क्यों आ रहा है मालूम है, 0 आया, 0 में एक जोड़ा होगा आपने तो एक ही आएगा। ऐसे ही आप अगली बार इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया 10, 10 में से एक गया तो 9 आया, 4 से डिवाइड दिया तो 1 प्लस 1 यानी 9 की पावर 2 आएगी। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे 1 है, और 1 की कोई भी पावर रही हो तो 1 ही रहेगा, तो ये इससे आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे 5 × 7 × 9 × 1, आप इसे सॉल्व करिए 9 7 63, 63 में 5 का गुणा करते हैं, 5 3 15 की 5 एक आया हासिल का, वो 5 6 30 और 1 31, तो 315। तो आप देख सकते हैं इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। तो इस तरीके से ये सवाल किया जा सकते हैं, इनके थोड़े बड़े रूप भी देखे जा सकते हैं। अगले सम के रूप में हम इस तरीके के सवाल देखेंगे, इसमें लिखा है 1237 की पावर 28 इंटू में 1583 की पावर 48। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 28 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 28 में से एक कम करिए तो आएगा 27, 27 में आप डिवाइड दे रहे हैं 4 से, ठीक है। जब आप 4 से डिवाइड देंगे तो मिलेगा आपको 4 × 24, तो शेष कितना आएगा इसका, तो इसका शेष आएगा 3। तो नई घात क्या बन जाएगी आपके पास इसके लिए, तो नई घात हो जाएगी 3 में 1 जोड़ दीजिएगा 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 7 की पावर 4 इंटू का निशान। ऐसा ही इसके साथ करिए, इसके 48 में से 1 घटाइए तो मिलेगा 47, 47 में भी आप 4 का डिवाइड देंगे तो इसका शेषफल भी 3 ही आएगा। तो इसकी नई घात क्या बन जाएगी, सिमिलर है, नई घात में 3 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगी 4, तो इसकी भी नई घात 4 हो गई, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 7 की घात 4 होता है 2401, और 3 की घात 4 होता है 81। इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, इसमें हमारे पास की घात 40 है, तो 40 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगी 39, 39 में हम 4 का भाग देंगे, 4 × 9 = 36, कितने बचे 3, इस 3 में हम 1 जोड़ देंगे, तो जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे हमारे पास नई घात आ जाएगी 4, 4, तो हमारी संख्या का रूप कैसा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं नई घात, तो हमारी संख्या का रूप हो जाएगा 7 की घात 4 इंटू का निशान। सिमिलर ऐसा ही यहाँ करते हैं, 81 में से सबसे पहले 1 घटा देंगे 80, 80 में आप 4 से भाग दीजिए, 20 बार पूरा जाएगा, इस बार रिमाइंडर 0 बचा है, 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपको नई घात क्या मिलने वाली है, 1। इस नाते आपके पास जो डिजिट है वो कितनी जाएगी, 4 की घात 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2401 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, और इसका एक और इसके 4 का जब गुणा किया जाएगा तो अंत में 4 आएगा। तो इस तरीके से इसके इकाई मान निकाले जा सकते हैं। इसका मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसे आप कीजिएगा। धन्यवाद।